हम लोग को यहाँ से यहाँ बुलाया गया है और अच्छा काम के लिए बुलाया गया था। और रमेश नामक एक व्यक्ति है जो यहाँ एजेंडा करती है और विजयपुरा में ही रहते हैं, उसका नाम रमेश है। और हम लोग को फोन में और उसका कार्ड हम लोग को मिला दिया और उसी के माध्यम हम लोग आया, बोलता है कि अच्छा काम है, मछली को चारा देना है, दाना देना है, उसे वही चली काम है। वही बाना लेकर के हम लोग को 15 तारीख में यहाँ आए हैं विजयवाड़ा। 15 तारीख से हम लोग को इधर उधर ले जाना शुरू कर दिया चुपा रुस्तम, कभी विशाखापट्टनम से रातों रात हम लोग को विजयवाड़ा आए, विजयवाड़ा से रातों रात हम लोग को आइलैंड पर ले गए, आइलैंड मलेश्वरम में ले गए, आंध्र प्रदेश कर्नूल मलेश्वरम पर ले गए। और आइलैंड ऐसा जगह है जहाँ कोई आता भी जाता भी नहीं है और कोई दिखता भी नहीं है, कोई चीज का सुविधा नहीं है वहाँ। पानी का सुविधा है लेकिन गंदा पानी पी करके हम लोग 11 दिन रहा है। और 11 दिन में हम लोग को फोन से ना बात किया जाता था, ना हम लोग को खाना बढ़िया से दिया जाता था, ना ही हम लोग को पानी की व्यवस्था किया जाता था। और मैं यही कहना चाहता हूँ, देखा हुआ हाल, हम लोग काम पर भी जाते हैं तो वहाँ के मालिक सदानंद हम लोग से दखम दुखी करते रहते हैं, दखम दुखी से हम लोग पूरा परेशान हो गए। और ऐसा अनाप शनाप शब्द कहते हैं कि हम लोग को अच्छा नहीं लगता है, वहाँ बहन का गाली देते हैं, ऐसा चीज में हम लोग को बहुत परेशानी हुई। मैं यही कहना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग को बहुत हेल्प किए, मैं उसको तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ। और ऐसा काम पर ऐसे ही हो, हम लोग इसलिए खुश हैं क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोग को बहुत हेल्प की है। और हेल्प के लिए बहुत बहुत मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद करता हूँ। और अहिंदा ऐसा एजेंट करने वाला किया जाना नहीं है और आना भी नहीं है।